हमारे जो 42 जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के, वे क्यों शहीद हुए जानते हैं आप? आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करें। जय भीम। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश बोध आज आपके बीच में। हम भारत का जो एपिसोड है उसी कड़ी में जो हाल ही में आतंकी घटना हुई जिसमें हमारे जो जवान शहीद हुए, उस विषय में चर्चा करना चाहता हूं। और इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि जो कैंटीन की टेबल में, जो पान ठेलों में, जो सड़क में, सोशल मीडिया में और पूरे देश के अंदर में यही चर्चा है कि वो जवान क्यों शहीद हुए, उन जवानों को शहीद करने वाला जो दरिंदा है उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। यही मुद्दा इस देश के अंदर में भी छाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि जो नौजवान, जो सेना के हमारे जवान, जो हमारी रक्षा के लिए रात दिन जागा करते थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें आज देश को याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहिए। इसकी बजाय देश में दंगे भड़काने का प्लान चल रहा है। देश की जो शांति है, जो सुरक्षा है, देश में जो शांति व्यवस्था है, उसे खराब करने के मनसूबे से जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम उसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि हम जो मुख्य चर्चा है कि हमारे जवान शहीद हुए, उसमें सरकार नाकाम हुई क्या, उसमें सुरक्षा एजेंसियों ने जो अलर्ट जारी किया था, या सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कहा था कि इन सैनिकों को हवाई यात्रा के माध्यम उन्हें वहां से लेके जाने की व्यवस्था की जाए, और सरकार ने अनदेखा कर दिया। क्यों अनदेखा कर दिया, यह प्रश्न नहीं उठाए जा रहे हैं। आपसे मैं आज बात करने जा रहा हूं। हो सकता है कि मेरी बातों से अगर देश के अंदर में जो शांति व्यवस्था बनी हुई है, अगर मेरे सुझावों से अगर देश में खुशहाली रहती है, देश में अमन चैन कायम रहता है, तो मैं समझूंगा कि मैंने जो तथाकथित लोग बोलते हैं राष्ट्रभक्ति, तो मैंने देश की जो एक भारतीय होने का एक कर्तव्य पूरा किया। दोस्तों, आतंकियों ने अपना काम कर दिया और हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए। आज उनके घर में कैसा माहौल होगा, कभी आपने कल्पना करके देखी? आती है कि आपका बेटा नहीं रहा, आपका बेटा शहीद हो गया, तो सोचिए आज भी उनके घर में मातम फैला होगा या नहीं फैला होगा। थोड़ा सोचिए इस बात का। लेकिन आप और हम पांठेलों में बैठकर, चौक गड्ढे में बैठकर, या कहीं पे भी बैठकर, होटलों में बैठकर, जहां समय मिला या कोई नहीं मिला तो हम मोबाइल में बैठकर क्या कर रहे हैं? सिद्धू ने क्या कह दिया, सिद्धू मुर्दाबाद, या साक्षी महाराज ने दांत निकाल दिया, या फला नेता ने यह बात कही, या जिस उस पार्टी के लोगों ने यह बात कही, यही हो रहा है ना दोस्तों। क्या जो जवान शहीद हुए हैं कि हम इसी विषय पर बहस करें, कि हम इस विषय पर बहस करें कि वो जवान क्यों शहीद हुए हैं? दोस्तों, मेरा अगर प्रश्न सही रहे, अगर मेरे जो प्रश्न अगर आपको लगता है कि ये सही प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उन ना समझों तक बात पहुंचे जो इस देश की अमन, जो इस देश में अमन और शांति की जो स्थिति बनी हुई है वो खराब करने का जो एक ना समझी में ही सही एक प्रयास कर रहे हैं, ये वीडियो उन तक भी पहुंचा दीजिए। दोस्तों, मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि मैंने खुद ये चीज फेस किया। जब कुछ लोग जब चाय पीने के लिए बैठते हैं तो बात देखिए कैसे चालू करते हैं। उनको दुख इस बात का नहीं है कि जवान शहीद हो गए, उनकी बातों से लगता है। हो सकता है उन्हें दुख है, उन्हें क्रोध है, वो क्रोधित हो सकते हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं करता उनके। लेकिन क्रोध के कारण वो बातें कैसी कर रहे हैं, वो बात आपके सामने रख रहा हूं।
या सोशल साइट में वो किस प्रकार की पोस्ट कर रहे हैं वो बताना चाह रहा हूं आपसे। वो बात करते हैं मुसलमान ने हमला कर दिया, एक मुसलमान ने यार 40 लोगों को मार दिया, गद्दार इसी देश में बैठे, गद्दार जो है इसी देश में बैठे हैं। जब पाकिस्तान अलग हुआ था उस समय इस देश से मुसलमानों को बाहर खदेड़ देना चाहिए था। हां सही बोल रहे तुम। और उसके बाद कहते हैं कि मोदी कुछ ना कुछ करेंगे, देश के जो प्रधानमंत्री है ना, सबक सिखा देंगे पाकिस्तान को। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, वैसे कुछ ना कुछ करेंगे ना, मोदी कर देंगे वैसा। इसलिए 2019 में मोदी को तो आना जरूरी है ताकि ये मुसलमानों को ना सबक सिखा दे। दोस्तों जिस भी व्यक्ति ने वह हमला अंजाम दिया निश्चित रूप से वो गद्दार है, उसकी जितनी भी निंदा की जानी चाहिए करनी चाहिए। वो दरिंदा है, वो इंसान के नाम पे एक हैवान है, और जो भी ऐसी सोच रखते हैं वे भी हैवान हैं, वे भी दरिंदे हैं, वे इंसानियत के नाम पे कलंक हैं। और जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते वे भी उसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं आप क्या हैं? आप जिस भी धर्म के हैं क्या आपके धर्म के लोग गद्दार नहीं होते? क्या कोई विशेष धर्म का व्यक्ति ही गुंडा मवाली या आतंकवादी होता है या देशद्रोही होता है? मेरा ये पहला प्रश्न है दोस्तों। अपराधी जो है क्या किसी एक धर्म एक जाति का होता है? हाँ हो सकता है सरकार या मीडिया आपके सामने कुछ आंकड़े ऐसे प्रस्तुत करे तो आप अगर देखकर ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच है, लेकिन आप आंखें खोलकर अगर आप देखेंगे एक भारतीय होने के नाते तो गद्दार और देशद्रोही और आतंकवादी किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब जिस व्यक्ति ने वो घटना को अंजाम दिया, जिस आतंकवादी ने वो अंजाम दिया और जिनके इशारे पे दिया गया, और उसने उस घटना को अंजाम कैसे दे दिया, सरकार जो गृह मंत्रालय है जो रक्षा मंत्रालय है या जो प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि हम पाकिस्तान की आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमारे देश के जो आज प्रधानमंत्री हैं, जब विपक्ष में थे तो वर्तमान उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को इसी प्रकार की बात कहते थे। तो जिस प्रकार से आप उस समय बोलते थे मनमोहन सिंह की जगह अगर हमारे मोदी जी होते तो ऐसा करते वैसा करते, ऐसा कहते थे आप लोग जो आज हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो लोग ये कहते थे कि यदि मनमोहन सिंह की जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो वो पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला देते, एक सर के बदले में 10 सर लेके आ जाते, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देते। आज आपको इन सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, या उन सवालों को आपको देश के प्रधानमंत्री इस समय जो मोदी जी हैं उनसे पूछना चाहिए। अगर कहीं दंगे होते हैं, कहीं हम आपस में लड़ते हैं धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, तो जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं वो खुश होंगे कि दुखी होंगे? जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर जो षड्यंत्र रचते हैं वो खुश नहीं होंगे कि अच्छा लड़ रहे हैं इन लोग, हम भी यही चाहते इस देश में ये लड़े, हम आतंकी भेजें, सोचेंगे कि नहीं? आपको अभी इस प्रकार की बात भाषा इस प्रकार की चर्चा ना करके अगर आपको चर्चा ही करना है तो उस परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करो जिनके घर का एक चिराग बुझ गया है, जो इस देश का एक जवान इस देश का जो एक रक्षक था वो कम हो गया है, जिसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी इस देश के लिए, उसने अपनी जवानी कुर्बान क्यों की
किनकी विफलता के कारण कुर्बानी वो कुर्बान हो गया, क्या कर रही है कि हमारे जो नौजवान अभी 42 सैनिक शहीद हुए एकदम से, तो इस देश के अंदर में निश्चित रूप से ये खबर जो है सबके रोंगटे खड़े करने वाली खबर हो गई। लेकिन रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और अभी तक हजारों की संख्या में शहीद हो गए होंगे, तो हमें तो सवाल इस सरकार से ये करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, चुनाव के समय तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आपके राज में ये क्या हो रहा है, क्यों जवान अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, क्यों कुर्बान हो रहे हैं, क्यों बलिदान हो रहे हैं इस देश के अंदर में। ये सवाल हमें देश के शासकों से पूछना चाहिए, लेकिन हम ये सवाल, ये प्रश्न चिन्ह किस पे खड़ा कर रहे हैं, देश के नागरिकों पे? अरे देश के जो नागरिक हैं, यदि वो गद्दार हैं या देशभक्त हैं, तो उसकी जवाबदारी सरकार की है ना कि वो जानकारी उठाए कि कौन गद्दार है और कौन देश के लिए काम कर रहा है। आप उस समय वो बातें नहीं करते हैं जब एक बस्ती की बस्ती जाति के नाम पर इसी देश के नागरिक जो कहलाते हैं वो जला देते हैं, और आज वही लोग देशभक्ति की ढिंढोरे पीट रहे हैं दोस्तों, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसमें मजहब और धर्म ढूंढा जा रहा है, उसमें इंसान नहीं ढूंढा जा रहा, इंसानियत का कत्ल हो गया। कब तक हम धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे? आतंकी जो होते हैं उसी धर्म का नाम लेकर, इसी मजहब का नाम लेकर एक दूसरे की हत्या करवा रहे हैं, और आप भी भावुक होकर धार्मिक धर्म के आधार पर आप आतंक को देखते हैं। अगर कोई मुस्लिम किसी आतंकी वारदात में शामिल है तब तो आप बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन यदि कोई हिंदू किसी जाति आतंकवाद में अगर शामिल है, पकड़ा जाता है, सहारनपुर भूल गए क्या आप? सहारनपुर में 40 से ज्यादा घर जला दिए गए थे, 50-60 से ज्यादा घर जला दिए गए थे, कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, मासूम बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनके ऊपर तलवार चलाई गई थी, यहां तक कि पशुओं को भी जलाने का प्रयास किया गया था। उस समय तो आपने वो देशभक्ति की बात नहीं की? क्या उन लोगों ने वो देशभक्ति की थी? इसी देश के रहने वाले, बस उनका कसूर यह था कि वो किसी जाति विशेष के थे, जिसे आप अछूत कहते हैं, जिसे आप शूद्र कहते हैं, जिसे आप नीच कहते हैं, उसे तथाकथित सवर्णों ने या ऊंची जात के लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया था, तो क्या वो आतंकवादी नहीं थे? क्या वे देशद्रोही नहीं थे? या क्या वे देशद्रोही नहीं है जो ऊना में, गुजरात में पुलिस थाने के सामने 4-5 लोगों को सिर्फ गाय के नाम पर एक आरोप लगाकर दिन दहाड़े, जिन लोगों ने कोई पशु की हत्या की भी नहीं थी, दिन दहाड़े उनके जो शरीर पे जो कूड़ों से मार रहे थे, गाड़ियों में बांधकर उन्हें लटका लटका के पशु से बदतर करके, ऐसा लग रहा था कि वो इंसान नहीं, कोई पुतला है जिसपे आदमी लात मार रहा, जूते मार रहा, राड से मार रहा है, वो वीडियो आप भूल गए? तो जो लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, यदि वो मुसलमान होते तो आप बोलते कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, बोलते या नहीं बोलते आप बताइए। तो दोस्तों मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो इंसानियत की हत्या करता है वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है, उसे इस धरती पे जीने का मैं तो कहता कोई अधिकार नहीं है। शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि ना देख के हम किसी राजनीतिक दल का प्रचार कर रहे हैं, हम किसी अनजाने में सही, हम कोई कांग्रेस का प्रचार कर रहा है तो कोई बीजेपी का प्रचार कर रहा है, कोई किसी दल का प्रचार कर रहा है, तो मैं कैसे कहूं कि आप शहीदों की शहादत पे दुखी हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको मुद्दा मिल गया है 2019 का चुनाव जीतने का। अगर आप सीरियसली
गंभीरता से उन जवानों की शहादत पर दुखी हो तो सरकार से सवाल कीजिए कि वो शहीद क्यों हुए, क्यों देश में असुरक्षा और देश में आतंक की जो वारदात घटित हो जा रही है, और आप अपनी चुनावी रैली में बिल्कुल आपको फुर्सत नहीं है। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।